अशीवा किचन बाय सेठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं जिसका नाम है बेसन का शीरा। बेसन का शीरा कब काम आता है? जब हमारे को कोल्ड हो उसमें काम आता है। 3 दिन यानी 3 रातें जब सोने के टाइम हम इसको लेके सो जाएं, बाद में पानी नहीं पीना तो आपको कोल्ड का आराम आ जाएगा, कोई दवाई लेनी। ये हमने देखो आधी कटोरी हमने बेसन लिया, जे चीनी हमने 1/5 इसमें, जैसे जे आधी कटोरी इसका 1/5 हिस्सा लेंगे हम तो इसमें हमने पानी भी डालना है, उसी के मुताबिक इस चीनी जो है हम 1/5 हिस्सा लेंगे। जे बादाम ब्रिक करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ एक बात और है कि जो घी वो शुद्ध होना चाहिए, घर का बनाओ घी 2 चमचे इसमें डाल। अब इसको गर्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें, जो हमारी आधी कटोरी बेसन था ये हम डाल देंगे, इसको हल्के हल्के सेक पे इसको जय शक्तिया ला जाए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप 3 रातें सोने के टाइम खा इसको लेके सो जाओ, पी के पतला पतला बनाते हैं ना, इसको लेके सो जाओ, पानी नहीं लेना ऊपर से, ये ध्यान रखना आप। जितनी ये बेसन है इसको ऐसे ऐसे करके इसको बिल्कुल सफा कर दो। ऐसे करते जाओ धीरे धीरे और धीमी आंच पे, आंच तेज नहीं करने को बेसन हमारा जल जाएगा, आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। इसको बच्चे बूढ़े जवान सब ले सकते हैं, सर्दियों में तो बहुत लाभदायक है तो ये गर्म होता है। बादाम की गिरी भी गर्म, इसमें पिस्ता भी आप डाल सकते हो, बादाम की गिरी भी डाल सकते हो। इसको हल्के हल्के बस कर देता, जब जब ब्राउन हो जाएगा तो रंग बदल जाएगा, फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे, पानी डाल देंगे। थोड़ी सी आंच हम अब इसको मीडियम करने लगे, जब जब ब्राउन हो जाएगा जिसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी बेसन की, फिर पता लग जाएगा आपको जे बेसन हमारा तैयार हो गया। आसपास से भी लेते ताकि आसपास में जो लगा हुआ है वो चिपके ना। देखो इसका रंग अब शुरू हो गया, बच्चे बेसन में पानी नहीं डालना, ये ध्यान रखना। अब देखो खुशबू आने भी शुरू हो गई है और पकने भी शुरू हो गया ब्राउन। आप चाहे तो घी जरा भी डाल सकते हो, अगर आप घी को पसंद करते हो खाना तो कड़छी डाल लो। अब ये तैयार हो गया, बहुत ही आसान है, आप बनाकर देखो खाकर भी देखो और दूसरों को बताओ, शेयर करो कि ये खाने से हमारा जो कोल्ड होता है ठीक हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, हमें घी कम डाला है, आप घी ज्यादा भी डाल सकते हो। अब हमारा जो बेसन जी हो ना बस ब्राउन होना शुरू हो गया। जो बेसन में गिरती होती है गुच्छे होता है उसको कड़छी से ऐसे ऐसे करके उसको मिटा देना, बिल्कुल सफा कर देना।
इसको बेसन है, बेसन में जब हम डालते हैं थोड़े से गुच्छे होते हैं। अब हो गया देखो, खुशबू आनी शुरू हो गई। खुशबू तब आती है जब हमारा बेसन ब्राउन हो जाता है, ऐसे नहीं आते कभी भी। अब इसमें जो हमारी गिरी बारीक बारीक करके रखी हुई है ये भी डाल दें, क्योंकि ये गर्म होती है बादाम की गिरी, इसको डाल देंगे। हो गया देखो कितनी खुशबू आ रही है। हो गया, अब इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे। ये गाढ़ा भी नहीं होता, पतला भी होता, बीच वाला, बस ऐसे इसको बनाना हमें। जैसे आधी कटोरी बेसन है तो आप दो कटोरी डाल दो पानी। अब ये चीनी डालेंगे इसके मुताबिक, ये देखो। अब जब इसको पकना शुरू हो जाएगा फिर हम दो 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बस हो जाएगा तैयार। अब आंच को थोड़ा सा तेज कर दो। अब इतना नहीं, इसको इतना नहीं पकाते हैं ना, इसको ऐसे ही बस खाते हैं, पतला 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 खा के आप सो जाओ, बिस्तर के ऊपर लेट जाओ, फिर देखना कितनी जल्दी हम खा जाओ। बस अब इसको हमारा हो गया तैयार। अब इसको आंच को करेंगे बंद, इसको करेंगे सर्व। ये देखो जी है हमारा शीरा, बेसन का शीरा जी है। ये देखो पतला पतला इसको पी खा के आप ले जाओ बस बिस्तर पे, फिर देखना 3 दिन खा के कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी आपको, जिद खा के ही आराम आ जाएगा। बस ये शर्त है कि पानी नहीं ऊपर से पीना, पानी पहले पी लो इसके बाद पानी नहीं पीना आपने। ये देखो ये है हमारे बेसन का शीरा, आप इसको बनाकर देखिए, खाकर देखिए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।